मोदी ने तो हद ही कर दिया यार। अरे डिक्टेटर इंसान है यार, छोड़ ना, परेशान करके रख दिया है मोदी ने। सर नमस्ते गुरु, एकदम सच बात कही आपने, ये मोदी ने परेशान कर दिया है। और पीएम का काम क्या होता है? मौन होकर बैठे रहना और ज्यादा से ज्यादा कुछ फाइलें साइन करनी होती है। और मैं कहता हूँ कुछ करना ही है तो घोटाला करो, कौन मना कर रहा है, है? अरे यार 5 साल मिले जैसे तैसे, उसे कहाँ ये गरीबों के बैंक खाते खोलने में वेस्ट करे, उससे अच्छा अपने खाते ना भर ले, क्या बोलते हो? हैं? और मोदी एक नंबर का तानाशाह है, डिक्टेटर। अरे बड़े बड़े फैसले अपने दम पे ले लिए। अरे किसी के कंधे पे बंदूक तो रखनी थी, नोटबंदी, काला बाजारी पर रोक, सर्जिकल स्ट्राइक, अरे बाप रे। अरे कितने रिस्की फैसले लिए थे यार, सच में सुसाइड जैसे। और पता है कि भाई खत्म हो जाएगा अगर सिस्टम ने सपोर्ट नहीं दिया तो, पर नहीं, भाई तो भाई है ना। क्या जरूरत है सुबह 5 बजे उठकर काम पे लगने के हैं? अरे लोगों की आदत बिगड़ रही है उनका ऐसा बिहेवियर देख के, एक तो पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं लेता, और दिवाली में कहां जाता है पता है? बॉर्डर पे जवानों से मिलने। ये पीएम मोदी एकदम बेकार है, मीडिया वालों को कॉकटेल पार्टी नहीं देता, रिपोर्टरों को फॉरेन ट्रिप पर नहीं ले जाता, अरे यहां तक कि आदमी को फैमिली की कोई वैल्यू ही नहीं है। इनके एक भी फैमिली मेंबर को फ्लैट नहीं, जमीन नहीं, फॉरेन की ट्रिप नहीं। अरे मोदी जी कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। आपने तो दुनिया में देश का नाम कर लिया, लेकिन सुना है कि उनके भाइयों के बच्चों ने अब तक प्लेन नहीं देखा अंदर से। अरे भाई आप तो रिपोर्टर लग रहे हैं, अरे जरा समझाइए इन सबको, जरा समझाइए कि भाई गरीब के घर में गैस पहुंचा के और पैसे वालों के घर से गैस की सब्सिडी बंद करवा के वोट नहीं मिलते। अरे वोट के लिए तो जिगर चाहिए, जिगर, जात पात करनी पड़ती है, वोट बैंक बनानी पड़ती है। और ये मेक इन इंडिया और स्टैंड अप इंडिया से क्या होने वाला है? कुछ नहीं, और तुम लोग मुफ्त की रेवड़ियां बांटते रहो बस। भाई नहीं चाहिए हमें स्वच्छ इंडिया, नहीं चाहिए हमें न्यू इंडिया, हमारा ओल्ड इंडिया ही बराबर है। एकदम अपनी अपनी जेबें भरो, सड़कों पर गंदगी करो और घर रखो चकाचक। सच में ऐसा पीएम तो इंडिया में आया ही नहीं, सही कहा ना मैंने भाई? यार ऐसा पीएम तो सच में कभी नहीं आया इंडिया में, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। लालू प्रसाद यादव को उनके बेटे को सेट करना है, मुलायम सिंह यादव अपनी पूरी फैमिली को सेट करने में लगे हैं, सोनिया जी को राहुल को सेट करना है। अरे पर ये तो सोचो कि इस देश को सेट करने में किसको इंटरेस्ट है? अगर आज मोदी फेल हुआ ना तो अगले 100 सालों तक कोई प्राइम मिनिस्टर करप्शन के सामने लड़ने की हिम्मत ही नहीं करेगा, सिर्फ दो हाथ जोड़ेगा और तौबा करेगा। फिर बस करते रहना, मेरा भारत महान, मेरा भारत। सर, सर मुझे आपका नंबर दो ना, मैं इस पर स्टोरी करूंगा। सर आपका नाम? मैं हूं विकास, मैं हूं गुजरात, सेव कर लेना।